Hello students. Now for class 10, I am here to present the free strands within the null cooperation movement. इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपके सामने null cooperation movement क्या है और गांधी जी ने उसके लिए क्या पॉलिसी और प्रोग्राम तय किए उसके बारे में बताया था. इस वीडियो में मैं आपके सामने बताऊंगा कि किस तरह से भारत में उस समय गांधी जी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया उसको लोगों ने अपने अपने ढंग से अलग अलग अर्थ में लिया. डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. शुरू करते हैं. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921 इन लीडरशिप ऑफ गांधी जी आफ्टर द रिजोल्यूशन पास इन दिसंबर 1920 इन नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस. इसका उद्देश्य क्या था? अटेन स्वराज, स्वराज की प्राप्ति. गांधी जी ने इसका एक लक्ष्य रखा था और उसमें बताया था उसने कि कैसे इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है. तो उनके हिसाब से नॉट टू कोऑपरेट टू गवर्नमेंट ही वास्तव में वह तरीका था जिसके द्वारा स्वराज प्राप्त किया जा सकता था. यानी कि गांधी जी का जो अपना अनुमान था, एस्टिमेशन था कि अगर सरकार से पूरी तरह से असहयोग कर दिया जाए तो एक साल के अंतर्गत विद इन अ ईयर ब्रिटिश सरकार को हमें स्वराज देना पड़ेगा, यानी हम स्वराज प्राप्त कर सकते हैं. इसमें जो उसने आंदोलन की जो रूपरेखा जो तय की उसमें मुख्य रूप से नॉन वायलेंस पे जोर दिया, यानी द मूवमेंट वाज बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस. तो अहिंसा पर आधारित यह आंदोलन था. समूचे देश के स्तर पर इसको लॉन्च किया जाना था, बड़े स्तर पर, इतने बड़े स्तर पर अहिंसा पर आधारित आंदोलन जो लागू किया जाने वाला था और उसमें जो स्वराज पाने का लक्ष्य रखा गया था. इस स्वराज का अर्थ हमारे देश में विभिन्न वर्गों ने विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न तौर पे लिया. दे टेकन इट डिफरेंटली एंड व्हाई वाज दिस डिफरेंस. This difference was based on their local aspirations. See, the term Swaraj was meant differently in various parts of the country due to the local and personal aspirations. और उनके local और personal जो aspirations थे तो सबके अलग अलग थे. हमारे देश में कई तरह के लोग थे, कई स्तर पर थे. मध्य वर्ग कहीं रहता था तो किसान वर्ग कहीं था, तो फिर जो उसमें से आदिवासी लोग फिर कहीं थे, या कहीं और प्लांटर लोग भी थे जहाँ पर जो है प्लांटेशन इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा रहा था. वहाँ काम करने वाले मजदूरों की दशा वास्तव में सबसे ज्यादा दयनीय थी. तो सबों ने इसको अपने अपने स्तर से लिया. तो अगर हम इसको देखें तो इस स्वराज का लोग जो है अर्थ जो समझे, जो मीनिंग जो समझे, उसको किस रूप में लिया, तो मिडिल क्लास ने किस रूप में लिया. फॉर द मिडिल क्लास दिस टर्म स्वराज वाज टेकन टू स्प्रेड एजुकेशन, शेयरिंग गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड जेनरेट एम्प्लॉयमेंट लोकल. यानी कि भारत का मध्य वर्ग आज भी और पहले हमेशा से मध्य वर्ग शहरी क्षेत्र में ही रहता आया है. तो ये मध्य वर्ग जो शहरी क्षेत्र में रहने वाले थे, स्वराज का मतलब इन्होंने ये समझा कि अब हमारा जो है वास्तव में जो शिक्षा का स्तर जो है थोड़ा बढ़ेगा और हमें मौका मिलेगा, जो गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जो जॉब है उस जॉब में जाने का मौका मिलेगा. साथ ही साथ जो अधिक नौकरियों के अवसर, एम्प्लॉयमेंट के अधिक अवसर क्रिएट होंगे, क्योंकि विदेशी सरकार के अधिक तो जो है वास्तव में जो उन्हें मिल रहा था. तो लोकल जो है स्वराज में उनको लगा कि हमारी ज्यादा पूछ होगी, हमें ज्यादा स्पेस मिलेगा. पुनः हम देखेंगे कि फार्मर्स इंप्लॉयमेंट मैदानी भाग में, यानी जो पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर आधारित थे. हम जानते हैं भारत में बहुत बड़े क्षेत्र में जो कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया का जो है समूचा जो है ना गंगेज एंड इंडियन जो प्लेन है, उस प्लेन में जो किसान लोग थे वो सिर्फ खेती पर आधारित थे मुख्य तौर पर. तो इन कंट्री साइड द फार्मर्स इन प्लेन्स टुक इट एज अ चांस ऑफ रिडक्शन इन रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू or rent and exploitation from the local authorities.
अंग्रेजी सरकार ने इन किसानों से लगान वसूलने के लिए तरह तरह के और विभिन्न रैंक के अधिकारी नियुक्त किए थे। कहीं कहीं जमींदार थे परमानेंट सेटलमेंट, तो कहीं रैयतवारी सिस्टम था, कहीं मालवारी सिस्टम था, हर जगह इस प्रकार के अथॉरिटीज थे जो न सिर्फ जो लैंड रेवेन्यू कड़ाई से वसूलते थे बल्कि इसके अलावा भी कई प्रकार से इन किसानों का उत्पीड़न करते थे, एक्सप्लॉयटेशन करते थे। तो उन्होंने ये समझा कि जब स्वराज आएगा तो हमें इन सारे शोषण से मुक्ति मिल जाएगी, जो हम टैक्स दे रहे हैं इतना ज़्यादा उसमें भी काफ़ी कमी आ जाएगी, सरकार अपनी होगी तो वो हमें रियायत देगी, कॉन्सेशन देगी, कम कर देगी। इसी तरह देखें कि जंगली क्षेत्र में, जब उन जंगलों में जहाँ ट्राइबल आदिवासी लोग रहते थे और जो फॉरेस्ट एक्ट लागू किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा समय समय पर, जो उसको संशोधित करते हुए भी, उसके कारण ये ट्राइबल लोग अपने आप को काफ़ी ज़्यादा उत्पीड़ित महसूस करते थे, एक्सप्लॉयटेड महसूस करते थे। क्यों? क्योंकि उनके जो ट्रेडिशनल राइट थे जंगलों पर, वहाँ के प्रोडक्ट्स पर, उससे उनको वंचित कर दिया गया था, डिप्राइव कर दिया गया था। द ट्राइबल इन फॉरेस्ट्स हैड सीन इट एन अपॉर्चुनिटी टू गेट बैक देयर लॉस्ट ट्रेडिशनल राइट ऑन द फॉरेस्ट एंड इट्स प्रोडक्ट। तो इस तरह से इन लोगों ने जो अपने अपने स्तर से, अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से स्वराज के अर्थ को लिया इन वैलिड वे में, तो ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हर जगह आंदोलन का स्वरूप भी काफी अलग अलग दिखाई पड़ा। एक अलग प्रकार हमें वहां दिखता है जहां प्लांटेशन इकोनॉमी को वाइट प्लांटर्स ने काफी बढ़ावा दिया था, बड़े बड़े इलाके में उसने अपने जो है फार्म्स एस्टैब्लिश कर लिए थे और वहां इंटेंसिव लेबर का प्रयोग करके प्लांटेशन का काम किया करते थे, जो उनके लिए काफी बेनिफिशियल था। दूर दराज के क्षेत्रों से, जंगलों से लोगों को पकड़ कर लाया गया था और यहाँ जो है उन फार्मों में उनको कैद या कैप्टिव रखा जाता था, कह सकते हो बाउंडेड लेवल से भी वास्तव में तो बुरी दशा थी उनकी। तो वहाँ के उन मजदूरों ने बाउंडेड लेवल लाइक जो है वो प्लांटेशन में काम करने वाले जो वर्कर्स थे, उन लोगों ने इसको किस रूप में लिया? वाइट कैन इज मेकिंग देम फ्री फ्रॉम द स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन देम बाय वाइट प्लांटर्स। गोरे लोग जो उस पर प्लांट में, प्लांट जो फार्म्स होते थे उसमें तरह तरह के अत्याचार करते थे, उस फार्म से बाहर तक जाने की इजाजत उन्हें नहीं थी, तरह तरह के पनिशमेंट उनके लिए थे। उन सबों से उसने क्या देखा कि अब हम चूंकि स्वराज आ गया है इसलिए हमें मुक्ति मिली। उनके लिए एक बात और थी, चूंकि दूर दराज से आए थे, उनके कई पीढ़ी पूर्व से ही आए थे, पिछले 50-100 सालों से पूर्व उनकी है ना, यानी कि कह सकते कि पिछली जनरेशन के ही लोग वहां आए थे। किससे कहानियों में उन्होंने अपने दादाओं से, पूर्वजों से सुना था कि हम कहाँ के वास्तविक मूल निवासी, कहाँ से हम आए हैं, इसलिए उनको लगा कि ये स्वराज आ गया है तो हम अपने उस पुनः मूल स्थान में वापस जा सकते हैं, और जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ हमारा अपना खेत हो, अपने मकान हो और अपने प्राकृतिक ढंग से पहले जिस वातावरण में रहते आए थे ठीक वैसे ही अब वो जीने के लिए स्वतंत्र होंगे, किसी प्रकार का टॉर्चर और एक्सप्लॉयटेशन उनका नहीं होगा। इट वॉज ऑल्सो ए चांस टू देम to return their native land and to live a happy life। तो इस तरह इन लोगों ने स्वराज के अर्थ को जो गांधी जी ने प्रचारित किया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का वास्तव में लक्ष्य है, अलग अलग ढंग से दिया। इसलिए रिएक्शन भी ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है अलग अलग समूहों का, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का हमें देखने को मिलता है। तो अब इसको हम जरा से देखें। नाउ हम देखते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट स्ट्रैंड्स इस मूवमेंट में काम कर रहे थे। तो पहला अगर उसमें हम देखें तो मूवमेंट जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के रूप में जानते हैं, एक अर्बन एरियाज में, इन टाउनशिप्स में प्रचलित हुआ। दूसरा अगर देखें, ये मूवमेंट जो है वास्तव में रिवेरियस फॉर्म में आया, खास करके कंट्री साइड में, वो प्लेन हो या फिर जो है फॉरेस्ट रीजन में। एक तीसरा जो है इसमें जो वास्तव में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का रूप जो हमें दिखने के लिए आया वह स्वराज के इंस्पिरेशन में आया, खास करके वो प्लांटेशन वर्कर्स के बीच में आया। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये तीन प्रकार के मुख्य जो है स्ट्रैंड समय समझ में आते हैं कि इस दरमियान जो है इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के भाग। अगर उसमें से हम पहला ये जो है मूवमेंट इन टाउन्स को देखें तो इसके जो मुख्य फीचर हैं या मेन फीचर्स उसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं
What are the main features of the movements? Nankopsam movement in urban areas or the towns. तो उसके जो main features है, यानी कि उसको किस रूप से वास्तव में हम कहें कि हाँ जो आसानी से इसको हम पहचान सकते हैं, उसके मुख्य पहचान क्या है, लक्षण क्या है, तो देखेंगे कि मिडिल क्लास जो शहरों में ही रहा करता है आज भी और पहले भी, उसका जो पार्टिसिपेशन इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में वो काफी रिमार्केबल सिग्निफिकेंट, यानी रोल ऑफ द मिडिल क्लास ड्यूरिंग दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन टर्म्स वाज सिग्निफिकेंट। फिर देखते हैं कि जितने भी प्रकार के उसमें सरकारी संस्थाएं थे, स्कूल, कॉलेज, कोर्ट और इवन जो है गवर्नमेंट जो है अलग जो है ऑफिसर थे, उन सब में जो काम करने वाले या तो कर्मचारी थे या फिर पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, पढ़ाने वाले टीचर्स थे, उन सब ने उस इंस्टीट्यूशन का बहिष्कार कर दिया। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वेयर बॉयकॉटेड। तीसरा जो प्रमुख तत्व तो है उसमें फीचर जो अगर कहेंगे तो जितने भी फॉरेन गुड्स जो भारत में उस समय जो है आते थे, लोगों के द्वारा यूज किए जाते थे, बहुत आय से बिकते थे, उन सबों का बायकॉट किया जाने लगा। एंड दे वेयर इन पब्लिक प्लेसेज बॉनफायर, उनको बजाता खास करके कपड़े वगैरह को खास करके सामूहिक स्थल में, सार्वजनिक स्थान में जमा करके जला दिया जाता था, उसकी होली जलाई जाती थी। अगर उसके बाद और फिर देखें, क्योंकि गांधी जी काफ़ी फार साइटेड होते थे, वो जानते थे कि मूवमेंट को चलाना लंबे समय तक इतना आसान नहीं है, उसके लिए आर्थिक आधार मजबूत होना चाहिए, इसीलिए उसने अल्टरनेटिव इनकम के साधन जनरेट करने की कोशिश की और इसके लिए स्वदेशी का नारा दिया। इस स्वदेशी के तहत ओपनिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जिस प्रोफेसर ने, जिस टीचर ने सरकारी कॉलेज, सरकारी स्कूल छोड़े थे या विद्यार्थियों ने जो स्कूल छोड़ा था पढ़ाई के लिए, तो लोगों के लिए, लोगों ने अपने आपसी सहयोग से कॉलेज और स्कूल खोले, उसमें विद्यार्थियों को एडमिशन मिला और उन लेक्चररों, उन प्रोफेसरों ने, उन टीचरों ने जो सरकारी संस्थानों में काम कर रहे थे, अब इन संस्थानों में पढ़ाना शुरू किया। इस तरह से ए इंडिजेनस जो है एफर्ट्स को ज़्यादा जो है वास्तव में वरीयता दी जाने लगी, उसको प्रमोट किया गया। साथ ही साथ जो कुछ नए लोकल इंडस्ट्रीज खोले गए, खास करके खादी को बढ़ावा दिया गया, टेक्सटाइल क्योंकि उस समय भी काफ़ी डिमांड में लोग थे तो वस्त्र चाहिए, इंडस्ट्री में इंडस्ट्री मेड जितने भी गुड्स थे उसमें सबसे अधिक डिमांड जो है वास्तव में तो इस टेक्सटाइल की थी। तो खादी के प्रचलन को गांधी जी ने प्रमोट किया और खादी के मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोगों ने अपने घर के स्तर पर प्रयास शुरू किया, घर में चरखा काटे जाने लगे और लोकली जो है वास्तव में उसका जो है प्रोडक्शन शुरू किया गया, यानी खादी टेक्सटाइल शुरू किया गया और लोग खादी को पहनना अब जो है राष्ट्रभक्ति की पहचान मानने लगे। इस तरह से इसका जो है काफ़ी पॉपुलर प्रोपगेशन किया गया। इसके बाद देखेंगे कि जो भी हुई जो प्रोपगेशन ऑफ स्वदेशी या फॉरेन गुड्स का बायकॉट, इसका काफ़ी व्यापक प्रभाव पड़ा, बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा ब्रिटिश इकोनॉमी पर, जो भारत में ये ब्रिटिश लोग व्यापार करके काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमाते थे, उनके उस मुनाफे में काफ़ी गिरावट आ गई। It proved a jolt on British economy as imports from Britain in India was during the period 1921 to 22 just left half in terms of value, यानी कि मूल्य के दृष्टि से अगर देखें तो 21-22 में ब्रिटेन से आने वाले वस्तुओं जो भारत में बिकने के लिए आती आई बाजार में मूल्य आधा रह गया। ब्रिटिश जो गुड्स थे वो सी पोर्ट्स पर ही वास्तव में पड़े रह गए, उनको अनलोड करने के लिए मजदूर भी नहीं मिले, इसलिए वास्तव में ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये घाटे का सौदा रहा भारत में ब्रिटेन से वस्तुओं को एक्सपोर्ट करने का और भारत में इम्पोर्ट करने का। ये अब लाभदायी, खास करके ये बेनिफिशियल, प्रॉफिटेबल ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रहा नहीं। इसके अलावा फिर अगर देखेंगे इसकी और दूसरी विशेषताओं को तो देखेंगे कि महिलाओं ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर शहरी इलाकों में जहाँ भी शराब की दुकानें थी, वो मानो वास्तव में गांधी जी के हिसाब से अनैतिक भी था, समाज में वो कई प्रकार की बुराइयों को पैदा करता था, इसलिए महिलाओं ने खास करके पिकेटिंग पर जो है, पिकेटिंग
काफी जोर दिया और जो भी शराब की दुकानें थी वहां इसको उसने बड़े ही उत्साह के साथ चलाया, क्योंकि खिलाफत आंदोलन के नेताओं के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी थी गांधी जी की। इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दरमियान ये मुस्लिम लोगों का भी, यानी शहरी क्षेत्र में जो मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम जो आबादी थी, उसने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। महिलाओं का विस्मक है कि स्वाभाविक तौर पे चूंकि प्रेजेंस रहा खासकर के पिकेटिंग में लिकर शॉप्स के सामने, तो उनका भी शहरी क्षेत्र में खासकर के एजुकेटेड वुमेन्स या एजुकेटेड फैमिली से रिलेटेड जो महिलाएं थी उन्होंने सड़कों पर निकलकर इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भाग लिया। और उनका यह भाग लेना काफी वास्तव में नोटेबल था, उसने अपना योगदान जो है जो इसमें दिया वो काफी सिग्निफिकेंट था, काफी महत्वपूर्ण था। आगे चलकर आने वाले जो आंदोलन है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या उसके बाद फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, उनमें इन महिलाओं की उपस्थिति बढ़ती ही गई। हालांकि ये मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन जो है खासकर नेशनल मूवमेंट में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद धीरे धीरे कमता चला गया, क्योंकि इसके बाद में मुस्लिम लीग ने कुछ अलग राग अपना शुरू किया और खिलाफत का आंदोलन भी आगे चलकर जो है वास्तव में फेल हो जाता है, उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है क्योंकि वो यूजलेस रह जाता है। इस तरह से अगर देखें हम तो मूवमेंट का जो स्वरूप है टाउन्स में वो काफ़ी जो है अलग प्रकार का है ना। इकोनॉमिक पॉइंट भी उससे देखें तो अंग्रेजी सरकार को काफ़ी नुकसान हुआ। अगर हम भारतीय दृष्टिकोण के इकोनॉमी के दृष्टिकोण से देखें तो भारतीय लोगों को रोजगार के अवसर मिले, इनको अपनी नई नई इंडस्ट्रीज खड़ा करने का अवसर मिले। उसी दरमियान जो बहुत सारे कॉलेज और स्कूल की स्थापना जो की गई उसने बाद में चलकर भारतीय लोगों के बीच में अच्छा काम किया, यानी कि नेशनल जो है स्पिरिट को एक खासकर एजुकेशन से जोड़ने में, लोगों को जोड़ने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर देखें अगर जो है तो मिडिल क्लास ने अपनी ताकत को पहचाना, उसने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और सरकार को यह एहसास कराया कि बिना हमारे जो है आप यहाँ शासन नहीं चला सकते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसने यह एहसास करा दिया। साथ साथ में देखेंगे तो मुस्लिम लोग और मजदूर वर्ग, साथ ही साथ जो है महिलाओं, इन सबों की जो उपस्थिति रही खास करके इन इलाकों में टाउनशिप में जो मिल वर्कर्स वगैरह थे, तो उन लोगों ने जो अपनी सामूहिक भागीदारी दी, इसने जो है इस आंदोलन को इस मुकाम तक पहुंचा दिया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए इस पर जो है कड़े एक्शन, दमनकारी जो है एक्शन लेना संभव नहीं रह गया था। उन्हें काफ़ी नुकसान भी हो रहा था क्योंकि यह आंदोलन मुख्य तौर पे जो है नॉन वायलेंट था, इसलिए सरकार भी इस पर कड़े एक्शन ले पाने में या दमन चक्र जो है वास्तव में चलाने में अपने आप को असमर्थ पा रहे थे। छिटपुट घटनाएं जरूर हो रही थी लेकिन असामान्य घटनाएं जैसे कि पिछले जो है रॉलेट सत्याग्रह में जलियांवाला बाग मासाकर टाइप की जो घटना है उस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो रही थी। हालांकि बाद में चलकर एक घटना ऐसी होती है कि जिससे फिर इस आंदोलन को बंद कर देने का फैसला गांधी जी को लेना पड़ता है, लेकिन काफ़ी समय तक लगभग साल भर स्थिति ऐसी रही कि सारे क्षेत्रों से वास्तव में ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो प्रभाव थे वह काफ़ी कम रह गए। इसके साथ ही अगर हम देखें कि इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में और क्या क्या जो इम्पैक्ट हुए, तो चूंकि लंबा चला और लंबा चला तो शहरी क्षेत्रों या देहाती क्षेत्रों के भी कॉटन टेक्सटाइल लोगों को पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, मूलभूत जो आवश्यकताएँ हैं जो रोटी कपड़ा और मकान, तो कपड़ा जो है लोगों को चाहिए और स्वदेशी जो है ये खादी के इंडस्ट्रियल यूनिट जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वास्तव में इतने अधिक नहीं स्थापित किए गए थे, लोगों ने अभी इतना जो है इतनी जागरूकता के साथ वास्तव में खादी को प्रोड्यूस करना शुरू नहीं किया था कि लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। नतीजा क्या है कि ये काफ़ी महंगे लोगों के लिए खासकर गरीबों के लिए साबित हो गए थे। इसके अपेक्षा वे ब्रिटिश मेड जो है ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड जो है जो कपड़े थे उनको लेना वो पसंद करते थे क्योंकि वो काफ़ी सस्ता होता था। साथ ही साथ जो अल्टरनेटिव इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन जो खोले गए, निश्चित तौर पर स्कूल खोले गए, कॉलेज खोले गए, तो ये स्कूल कॉलेज जो है उन सारे लोगों को पढ़ाने में या पढ़ने में मददगार साबित नहीं हुआ जिसने कि सरकारी इंस्टीट्यूशन को छोड़ा था। और यही कारण है कि बाद में चलकर के धीरे धीरे विद्यार्थी और उसमें पढ़ाने वाले शिक्षक भी इन कॉलेज और स्कूल्स को ज्वाइन कर लेंगे। वकील वगैरह जो लोग थे वो धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस जो बंद कर चुके थे कोर्ट में वो कोर्ट में लौटने लगे और दूसरे एम्प्लॉयज भी जो है अब गवर्नमेंट ऑफिसेज में फिर से ज्वाइन करने लगे थे क्योंकि इतने लंबे समय तक ये आर्थिक रूप से जो नुकसान हो रहा था भारतीय मिडिल क्लास को जो टाउन में रहते थे
वो सहने की स्थिति में नहीं था। और संयोग की बात है, इसके बाद कुछ घटना भी ऐसी होती है कि बाद में चलकर यह आंदोलन पोस्टपोन कर दिया जाता गांधी जी के द्वारा 1922। इस तरह से आपने देखा जो हमने बताया, इसमें मुख्य बात जो है कि टाउन में जो मूवमेंट्स यानी नॉन कोऑप्शन मूवमेंट चलाया गया उसके मुख्य फीचर क्या थे, उसके मुख्य तत्व क्या थे, उसके वास्तव में जो मेन फीचर्स थे क्या क्या थे, अगले जो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कंट्री साइड में वो या तो फार्मर्स हों या फिर ट्राइबल बेल्ट में यानी कि मैदानी इलाके में या फॉरेस्ट रीजन में डिफरेंट रिवेलियंस हुए और उन रिवेलियंस में वास्तव में उसका क्या योगदान रहा, किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उसका क्या प्रभाव पड़ा। साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगा कि स्वराज जो प्लांटर जितने भी खास करके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में या कुछ जो है कह सकते हैं कि साउथ इंडिया में भी अपने फार्म से स्थापित कर चुके थे, वहाँ के मजदूरों ने स्वराज को किस अर्थ में लिया और वहाँ किस प्रकार की घटनाएं घटती है बताइए। आज का वीडियो यही समाप्त होता है, जब तक मैं दूसरे वीडियो को लेकर आऊँ तब तक आप इंतजार करें। थैंक यू।